हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति बंसल फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़। टुडे आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर। टुडे आवर टॉपिक इज प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, नाउन के बारे में आप सभी जानते हैं, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्लियर? तो हम प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। अगर मैं राम के प्लेस पे ही लगा देती हूँ, ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या हुआ आपका प्रोनाउन, जो कि नाउन के प्लेस पे यूज होता है। राम इसमें नाउन है, राम क्या है आपका नाउन। अब नाउन के प्लेस पे मैंने क्या यूज कर दिया, ही क्या होगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अगर मैं पूछती हूँ आपसे तो क्या होगी, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन। ठीक है, तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन हैज सेवन काइंड्स। नंबर वन पर्सनल प्रोनाउन, नंबर वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड रिफ्लेक्सिव एंड इंफेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनेट प्रोनाउन, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आपके कितने प्रोनाउन होते हैं, सेवन। फोर्थ क्लास में हम सीखेंगे ओनली पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन को हम डिवाइड करते हैं थ्री पर्सन्स में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, जब सिंगुलर फॉर्म होती है आई, माई, माइन, मी। आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा, मुझसे रिलेट कर रहा है ये, मी मतलब मुझे। ठीक है, अगर प्लूरल फॉर्म होती है, हम की बात चल रही है, वो आपका फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, उसमें क्या होता है वी, आवर, आवर्स, अस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में क्या होता है यू, यूअर्स। अब सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में ही हम क्या यूज़ करते हैं यू। यू का मीन्स क्या होता है, तुम। ठीक है, एक के लिए कर रहे हैं तब भी हम यू बोल सकते हैं और ज़्यादा के लिए भी हम यू बोल सकते हैं। थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ही वह, शी गर्ल्स के लिए होता है वह, दे प्लूरल फॉर्म आ गई, इट सिंगुलर फॉर्म है। इस तरह से हम इन तीनों का यूज़ करेंगे और अपनी एक्सरसाइज। अब आपको इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन। ठीक है, दिस इज डैश बुक, दिस इज डैश बुक। अब आपको फिल करना आई, माई, मी, माई। अब देखो, दिस इज आई बुक कह सकते हैं, नहीं, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। माई किसके लिए यूज हुआ, मेरी। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी। अब लास्ट में आ रहा है ये, तो ये किस फॉर्म में हो गया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ओके, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में आपका पिक आउट द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से आपको प्रोनाउन को पिक आउट करना है। अब मनोज, मनोज क्या है, मनोज तो नाउन है ना, किसी का नेमिंग वर्ड है। मनोज एंड आई प्ले डेली इन द इवनिंग, तो आई, आई क्या हुआ, मैंने अपने लिए क्या यूज़ कर लिया, आई, तो आई आपका क्या है प्रोनाउन। दे आर कमिंग हेयर दिस इवनिंग, इसमें क्या है दे। यू राइट द ऑन द ब्लैक बोर्ड, यू। ही हैज़ अ येलो वॉल पेन टू बॉल टू प्ले विद, तो इसमें क्या हुआ ही। माय ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इसमें क्या है माय। ठीक है, आज हम साथ में करेंगे एप्लीकेशन फॉर द रेमिशन ऑफ फाइन। मैंने आपको एक स्टोरी करा दी थी, एक ऐसे करा दिया था, आज हम एक एप्लीकेशन करेंगे फॉर द रेमिशन ऑफ फाइन। ठीक है, स्टार्टिंग देखिए, अब हमें आगे से टू नहीं लगाना है। कहाँ से शुरू करेंगे हम, द प्रिंसिपल, कॉमाज नहीं है, ASN हाई स्कूल बल्लभगढ़ फुल स्टॉप। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, मतलब हम किस विषय पर, किस टॉपिक पर अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द रेमिशन ऑफ फाइन, फाइन को माफ़ करवाने के लिए। डेट डालनी है जब भी हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड सर, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं आपके स्कूल में विद्यार्थी हूँ। आई रीड इन फिफ्थ क्लास, मैं फिफ्थ क्लास में पढ़ता हूँ। आवर इंग्लिश टीचर कॉल्ड अस ऑन संडे, हमारी इंग्लिश की टीचर ने हमें संडे को बुलाया था। ही गेव अस अ टेस्ट, उन्होंने हमें एक टेस्ट दिया। आई वॉज इल, लेकिन मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट टेक द टेस्ट, इसलिए मैं टेस्ट नहीं दे सका। आई वॉज फाइन रुपीज़ फाइव, मुझ पर ₹5 फाइन लगा दिया गया।
आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई वॉन्टेड टू टेक द टेस्ट, मैं टेस्ट देना चाहता था। बट आई वॉज हेल्पलेस, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि मैं बीमार था। काइंडली रेमिट माई फाइन एंड ऑब्लाइज, कृपया आप मेरा फाइन माफ़ करें और मुझे कृतार्थ करें। थैंकिंग यू, और yours obediently, आपको यहाँ नहीं लिखना है, यही लिखना है yours obediently, आपका नेम, क्लास, रोल नंबर। ओके, ये आपको नोट डाउन करने हैं सारा, व्हाट इज़ प्रोनाउन, हाउ मैनी काइंड्स, और उसके बाद एक्सरसाइज, फिर ये रेमिशन ऑफ फाइन, और फिर इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।